हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। पहला क्रंथियों 8 अध्याय के 1 वचन से लेकर हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। अब मूरत के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। पौलुस अपनी पत्री में साफ बताया है मेरे प्रियो, प्रेम से उन्नति होती है, मतलब ऊंचाई और बड़ाई होती है। पहला क्रंथियों 8 का 3 वचन में लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर आपको पहचानता है, परमेश्वर उसको पहचानता है। और 4 वचन में लिखा हुआ है, सो मूरत के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में जानते हैं। हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। जो मूरत के आगे उस प्रसाद चढ़ाते हैं, तो पौलुस कह रहा है कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और एक को छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं, अर्थात वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान। और 5 वचन में, यदि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं और हम भी उसी के द्वारा हैं। पौलुस अपने पत्र में साफ बता रहा है, आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं। 6 वचन में, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं और हम भी उसी के द्वारा हैं। पौलुस अपनी पत्री में साफ बता रहा है, मेरे प्रियो, आकाश में और पृथ्वी पर और बहुत से ईश्वर हैं और बहुत से प्रभु हैं। हम जानते हैं कि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं। कोई तो पत्थर में है, कोई तो पेड़ में है, कोई तो लकड़ी में है, कोई तो मंदिर में है, और आज जो लोग उसके आगे सिर झुका रहे हैं, सिर झुकाते हैं और उसको अपना खुदा मानते हैं, जिससे कोई लाभ भी नहीं, परंतु हमारा तो परमेश्वर वास्तव में जीवित परमेश्वर है, जिसने आकाश को, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया परमेश्वर ने, और लास्ट में आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, उसी के द्वारा आज हम हैं। कुरिन्थियों 8 का 7 वचन में लिखा हुआ है, परंतु यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। पौलुस कहता है सबको यह ज्ञान नहीं है, और कितने तो मूर्तियों को कुछ समझकर मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन खाते हैं। जो नए विश्वासी हैं तो उनके लिए मैं कुछ राय देना चाहता हूँ, तो सुनो। बहुत से लोग हैं जो मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ भोजन कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक अशुद्ध हो जाता है, जिसको बोलते हैं भले बुरे का ज्ञान समझ, जिसे विवेक के काम करना, डिस्ट्रेक्शन प्रोडेंस, और निर्बल मतलब कमजोर, जैसे निर्बल व्यक्ति, सहनशीलता से रहित, जैसे निर्बल हृदय, वेक स्लेजी, अशुद्ध होता है मतलब साफ न किया हुआ, अपवित्र, अनक्लीन, इम्प्योर। 8 वचन में, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम खाएं तो कुछ हानि नहीं और यदि हम खाएं तो भी कुछ लाभ भी नहीं। मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है, मेरे प्रियो, क्योंकि मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन से कुछ लाभ भी नहीं, इसलिए हम न खाएं तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। और लिखा है पहला क्रंथियों 10 का 1 वचन में, इस कारण हे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। पौलुस साफ कह रहा है, मेरे प्रियो, कलीसिया के लोगों से, कलीसिया से, हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। आगे लिखा है 20 वचन में, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं करते हैं, वरन दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो, वरन जो अन्य जाति हैं, जो बलिदान करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, वे दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। और पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो, प्रसाद हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है, मेरे प्रियो, तो हमें मूर्ति पूजा पर चढ़ाया गया भोजन नहीं खा सकते हैं। मूर्ति पूजा पाप है, शैतान उसका बाप है। और लिखा है निर्मिया 2 का 27-28 वचन में,
वे कांट से कहते हैं तू मेरा बाप है और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठें, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी अधिक हैं। आज मनुष्य ने भलाई के बदले बुराई की है, परमेश्वर की ओर पीठ ही फेरी है, मुंह नहीं पीठ ही फेरी और पाप में लगे हुए हैं। और लिखा हबक्कूक में 2:18-19 में लिखा हुआ है, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देकर ढालने वाले ने उसे तुझसे इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो कांट से कहता है जाग वा बोल पत्थर से उठकर क्या हुआ सिखाएगा, देखो वह सोने चांदी में मड़ा हुआ है परंतु उसमें आत्मा नहीं है। परंतु यहोवा तो अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी सामने उसके साथ रहे, उसके सामने ज्यादा मत बोलो क्योंकि तुम पृथ्वी पर हो, परमेश्वर स्वर्ग में है। आज मनुष्य अबोल पत्थर से कहते हैं उठे मेरे खुदा है मेरे बाप, उठ मुझे बता बचा ले, क्योंकि उनमें श्वास ही नहीं है, वे उठाए बिना फिरना पड़ता है, उनको उठाकर रखना पड़ता है। जब वे उठ ही नहीं सकती, जब वे देख ही नहीं सकती, वो तो वह तुमको क्या बचाएंगे? उनके आँख तो रहती है, नाक तो रहता है, ना तो वह देख सकती है, ना तो वह सुन सकती है, ना तो वह सोंग सकती है और ना तो वह बोल सकती है। जब उनमें श्वास ही नहीं है तो वह तुमको क्या बचाएंगे। अभी समय है मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास कर लो और हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो, पाप मत करो क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत ही भार करता है। मूर्ति पूजा एक पाप है। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं मेरे प्रियो बच सकती हैं। प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जो भी चलाते हैं उस पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जब एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में कितना खुशियां मनाई जाती है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके बदले आपको मुकुट देगा, आशीष देगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, गुड लक।